ऐसा सुरीला स्कूल इंदौर में खुलना चाहिए जो हम सब उसमें भर्ती होने के लिए तैयार हैं। एक गीत में कितना कितना आपने उसका विशद व्याख्या कर दी, और स्वरों के जो तहखाने हैं, हम स्वर की ऊपरी मंजिल को तो देखते हैं लेकिन उसके तहखाने में क्या क्या छुपा हुआ है, वहाँ आपने ले जाकर आज टॉर्च हमको दिखा दी कि वहाँ क्या क्या है, क्या क्या हीरे दमकते हैं गायकी के। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, और इसको आपसे बेहतर और कौन, आपकी क्लास में क्या होता होगा, बात ज़्यादा होती होगी या गाना ज़्यादा होता होगा, दोनों ज़्यादा होता, दोनों चलता है। आगे बढ़ें और प्रसन्न जी से एक गीत लें, इसके बारे में आप कुछ बताइए, गीत हम क्यों ले रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। गीत जो प्रसन्न जी अब गा रहे हैं, ऐसे कई गाने हैं जो लता जी ने भी गाए और पुरुष गायकों ने भी गाए, लेकिन कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम्स धुन तो एक थी ही, शब्द भी एक ही थे कई बार, लेकिन लता जी उसे अलग तरीके से गाती है। वो क्यों ऐसा करते हैं वो बाद में बताऊंगी, और भी गाने हैं, लेकिन जैसे तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे, जैसे लता जी कह रही हैं, हम कैसे भुला पाएंगे। प्रसन्न जी सुनाइए हमें।